शुरू करते हैं अपनी क्लास। हाँ, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। टेंथ की मैथ्स है, तीसरा हमारा चैप्टर है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। एक्सरसाइज हमारी 3.3 है जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। फिर नीचे लिखा है एक्स माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, बराबर में 4। इस तरीके से ये हमारे दो समीकरण जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला हमारा यही क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, ये यही वाला दूसरा समीकरण ही लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 4 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। यहाँ पे आप डाल सकते हो समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण दो से ये हमारा x बराबर y प्लस 4 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, इस तरीके हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x का मान इसमें रखना है समीकरण एक में। तो x का मान क्या था, y प्लस 4 था, ठीक है, ये था ना। तो हम x का मान की जगह पे लिख देंगे, x के मान की जगह पे हमारा है y प्लस 4 प्लस y बराबर 14, हमने मान रख दिया है। तो y कितने हो गए, 2y हो गए हैं प्लस 4 बराबर 14। अब क्या करेंगे, 2y बराबर 14 माइनस 4, ठीक है। तो 2y हमारा कितना हो जाएगा, 14 में से 4 गया 10, अब काट दीजिए, 2 एक कम 2 2 5 10, तो हमारा y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या निकली है, 5 निकली है। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे देख देंगे, y का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण दो में रख देंगे। समीकरण दो क्या है, ये है x प्लस 5, x माइनस पाँच बराबर 4। तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 बराबर 9, क्या हो जाएगा। तो x का मान क्या निकला है, x का मान हमारा क्या निकला है, 9 निकला है, x का मान क्या निकला है, 9, और y का मान क्या निकला है, 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको बिगाड़ते हैं, हम अपना दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं जरा भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा टी एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और एस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं इस वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं पहले। तो s माइनस t है, तो 2 ये 2 3 6 और 2s और 3 प्लस का 3t बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, 6 की इधर से गुणा कर देंगे और 1 की इससे गुणा कर देंगे, तो 2s प्लस 36 नहीं है, 6t है,
थ्री टी, ठीक है, क्या है, थ्री टी इजिकल टू 36, छः चरंग 36, ये हमारा आ गया है। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इससे क्या निकलता है, एस बराबर समीकरण, अब हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या होगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, 3 + t। अब यहाँ पे लिख देंगे 3 + t हो गया, अब हम क्या कह देंगे, एस का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, और समीकरण दो में रख देंगे तो s का मान क्या है, 3 + t है, तो इस वाले समीकरण में हम रख देंगे 2 × 3 + t + 3t बराबर 36। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 6 और 2t + 3t बराबर 36। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 5t और 6 हमारा उधर चला जाएगा, 36 - 6 तो 5t हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 5 को काट देंगे, 5 × 5 5 × 6 = 30, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब टी का मान समीकरण एक में, अब टी का मान समीकरण एक में रख देंगे तो s − 6 = 3, तो s की मान क्या आ जाएगा, 3 + 6, तो s का मान क्या आ जाएगा, 9। तो ये हमारे s और t के मान आ जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अलग आप लिख लेना, s = 9 और t = 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही हम क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम उसको बिगाड़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट नहीं है पर आज की वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, तीसरा वाला, वो करते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9, ठीक है, ये है, ठीक है। तो y की वैल्यू, समीकरण, ये हमारा समीकरण एक है, ये हमारा समीकरण दो है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण एक से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y 3x माइनस, ये हमारा क्या था समीकरण, 3x - y = 3, तो ये क्या हो जाएगा, y = 3x + 3x - 3, y उधर चला गया और 3 इधर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण किसमें, दो में, ठीक है, y का मान समीकरण दो में। अब समीकरण दो में रख देते हैं, 9x है हमारा, ठीक है, 9x है, तो 9x जो है वो हम लिख लेंगे, -3y है तो y की जगह पे 3x - 3 रख देंगे बराबर 9, तो 9x हमारा, और ये आ जाएगा 3 × 9x - क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 3 × 9 = 9, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 9x और 9x कट जाएगा, तो 9 = 9 आ रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि -9 और 9 बराबर हो जाए, तो ये इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत है, ठीक है, इसमें प्रतिस्थापन विधि जो है वो नहीं लग पाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः समीकरण
एक और दो के अनंत हल होंगे, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन लग जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके लिए एच डब्ल्यू है। एच डब्ल्यू आपका क्या है, वो है 3x+2=0 में आपको b1 का मान बताना है वो क्या है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा। और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है, और शेयर करना होगा। ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको। और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, जब आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे, सर्च में आप जोजस स्टडी डालेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। अब आप जब देखेंगे कि हमारा चैनल आ चुका है तो आप हमारे चैनल के पे जब टैप करेंगे तब आपको पहला ऑप्शन होम दिखेगा, दूसरा वीडियोस दिखेगा, तीसरा प्लेलिस्ट लिखेगा, चौथा कम्युनिटी दिखेगा, फिर चैनल दिखेगा, फिर अबाउट दिखेगा। आपको जाना कहाँ है, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे आप जब टैप करेंगे तो सारी वीडियोस जो हैं वो ओपन होके आ जाएंगी। आप नीचे करेंगे तो आपको इस तरीके का एरो दिखेगा, तो जब आप एरो पे टैप करेंगे तो कुछ और वीडियोज़ आ जाएंगी, और जहाँ पे लिखा होगा व्यू 30 मोर, तो आपको व्यू 30 मोर पे क्लिक करना है। जब आप खोलेंगे तो हमारी सारी वीडियो जो भी हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं वो सारी ओपन होके आ जाएंगी। जिस भी क्लास की आपको वीडियो देखनी है वो हम आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। जो वीडियो आपको देखनी है, जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको बताएं, जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे, जब आप चैनल पे टैप करेंगे तो हमारे 3 और चैनल ओपन होके आ जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल्स को भी आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। ठीक है, इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा पहला चैनल है उसमें बच्चों की कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, और बच्चों को कैसे क्या सिखाना चाहिए, ठीक है, वो सब वीडियोस हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप दिखा सकते हैं उनको। और हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, उसमें आप जब टैप करेंगे तो आपको हमारी वहाँ पर की कुछ वीडियोस दिख जाएंगी, जिसमें आपको मैंने कुछ ज्वेलरीज की वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, घर में ही ये वीडियोस बनाई हैं, घर पे ही ये ज्वेलरी बनाई हैं, अपने हाथों से ये ज्वेलरी बनाई हैं। बहुत ही कम समय में आप देख सकते हो टाइम, और बहुत ही ईजी तरीके से ये जो ज्वेलरी हैं आप अपने घर में बना सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो कई सारी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, मैं सारी तो यहाँ पे नहीं दिखा सकती हूँ। और तीसरा जो हमारा चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट। ठीक है, तो तीसरा हमारा चैनल है जोजस क्राफ्ट, उस पर जब आप टैप करेंगे तो आपको हमारी कुछ और वीडियो दिखेंगी, जैसे कि घर के जो हमारे बचे हुए बेकार चीज़ें होती है, जैसे शादी के कार्ड हुए, टिश्यू पेपर हुए, इनका आप वेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं ये आपको सिखाया गया है। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए, हमारी वीडियोज़ को देखिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही था, और आपको बता दिया है कि कैसे क्या करना है, आपको सब कुछ देख लिया है, प्लेलिस्ट में कैसे जाना है। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ओके, चारों चैनल को, जोजस स्टडी, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जोजस क्राफ्ट और जोजस किड्स मस्ती, सारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके।